1 जून को क्या करेंगे बनारस के मुसलमान शहर के सबसे बड़े मुफ्ती ने दिया ये जवाब। मुफ्ती बनारस और ज्ञान वापी मस्जिद के मुख्य इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नौमानी ने 1 जून को वाराणसी में होने वाली वोटिंग से पहले बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक फिरका बाबरी ज्ञान वापी मथुरा तो कभी आगरा की बुनियाद पर इलेक्शन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन होगा। हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे कहने वालों से संतों ने की अपील तो बंगाल में ममता बनर्जी पर पीएम मोदी ने यूं बोला हमला। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 28 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बारासात में टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक टीएमसी विधायक ने कहा था कि हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के साधुओं ने विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया टीएमसी अपनी गलती सुधारे, लेकिन टीएमसी ने रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवा श्रम संघ जैसे महान संस्थानों के संतों को अपमानित करना शुरू कर दिया। परमाणु परीक्षण के बाद कैसे बर्बाद हो गया पाकिस्तान, देश के ही अर्थशास्त्री ने खोले राज। पाकिस्तान ने 28 मई 1958 को पहली बार परमाणु परीक्षण करके दुनिया में परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया था। पाकिस्तान आज उसकी खुशियां मना रहा है, लेकिन कुछ पाकिस्तान के ही विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम भारत से बराबरी करने के लिए शुरू किया था। दंगाइयों का राम नाम सत्य हो गया, हमने उन्हें कब्र में भेज दिया, बारी है पटना में जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार यानी 28 मई को बिहार पहुंचे, जहां पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और आतंकवाद पर जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग जब सांसद हुआ करते थे उस वक्त अयोध्या में बम ब्लास्ट होते थे, मुंबई में बम ब्लास्ट होते थे, पटना में सीरियल ब्लास्ट होता था, आतंकवाद हावी था। उस समय कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादियों को देश से बाहर किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी भी जाएंगे, पीएम मोदी और बिहार सरकार पर क्यों बरसे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी और बिहार सरकार दोनों पर मंगलवार यानी 28 मई को हमला बोला। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्ष राज की पीट पीट कर हत्या के मामले में वो खूब बरसे। छात्र की हत्या पर मुकेश सहनी ने कहा कि इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है, सरकार सिर्फ चुनाव ना लड़े वह बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को भी देखे। दिल्ली में वोटिंग का फाइनल आंकड़ा कन्हैया कुमार वर्सेज मनोज तिवारी की सीट ने चौंकाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब सबको रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार यानी 28 मई को वोटिंग का फाइनल आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक सबसे अधिक वोटिंग नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी सीट पर हुई है। इस सीट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार से है। दिल्ली में पानी बर्बाद किया तो कटेगा चालान, मंत्री आतिशी ने बताया प्लान। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आने वाले दिनों में पानी की बर्बादी पर चालान भी लग सकता है। दिल्ली सरकार पानी की बर्बादी पर चालान काटने पर कर सकती है विचार, कर रही है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली अपनी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। पिछले हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ना बंद कर दिया है। आतिशी ने कहा 2023 में अप्रैल, मई और जून के महीने में मिनिमम वाटर मेंटेन रहा, हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी देना बंद कर दिया है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली खरबपति मित्रों को खुश करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में सबसे आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल जोर पकड़ चुका है। स्टार प्रचारकों का हिमाचल प्रदेश में जनसभा जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं की। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर यूट्यूबर बॉबी कटारिया, विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला। कबूतरबाजी और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार मशहूर यूट्यूबर बॉबी कटारिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम की अदालत ने बॉबी कटारिया को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यूट्यूबर पर बेरोजगार युवाओं को कबूतरबाजी कर मानव तस्करी करने के आरोप लगे हैं। यूपी के रहने वाले 2 युवकों ने थाना बनखेड़ा में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बॉबी कटारिया की ओर से विदेश में नौकरी लगवाने का विज्ञापन था।
ना कोई फोन कॉल, कमरे में भी नो एंट्री। चुनावी नतीजे और एग्जिट पोल वाले दिन ये होती है पीएम मोदी की दिनचर्या। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने नतीजों वाले दिन के अपने दिनचर्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन ध्यान करता हूँ, उस दिन मेरे कमरे में भी किसी की एंट्री नहीं होती, रिजल्ट वाले दिन मुझे फोन देना भी अलाउड नहीं होता है। पीएम मोदी ने 2002 की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा 2002 की घटना है, लोग बोल रहे थे कि जीतना मुश्किल है, मैं अपने कमरे में था, मैंने कहा जो होगा वो होगा, फोन आए तो मैंने नहीं उठाया, डोरबेल बज रही थी, मैंने किसी को बुलाया तो उसने बताया कि पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं। उस दिन 2:30 बजे मैंने पहली बार रिजल्ट देखा, फिर मैंने माला मंगवाई और केशु भाई पटेल को पहनाई, मिठाई खिलाई।